नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पे जिसका नाम है टेक यूट्यूब। तो दोस्तों, इधर बीच में मैंने दो तीन वीडियो अपलोड किए हैं GoPro के बारे में। आज का वीडियो भी उसी GoPro के बारे में है। जैसा कि GoPro के बारे में लोग बहुत क्रेजी हैं कि GoPro बहुत ही अच्छा एक्शन कैमरा है, बजट कैमरा है। जो नया GoPro हीरो 2018 आया है, मैं उस कैमरे की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये नया एक्शन कैमरा हीरो GoPro, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको ये कैमरा क्यों बाय करना चाहिए और क्यों बाय नहीं करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसको बाय किया, अभी मैंने इसके कुछ वीडियोस वगैरह बनाए हैं और इनमें से एक आध दो फीचर कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि एक इसका जो टाइम लैप्स है, टाइम लैप्स बड़ा गजब का है इसका, मानना पड़ेगा इसका टाइम लैप्स बहुत अच्छा है। और वीडियो की क्वालिटी जो है डे लाइट में तो काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप लो लाइट में जाते हैं या मतलब शाम के समय अगर आप इससे रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये लो लाइट के लिए बहुत ही बेकार कैमरा है। उसकी लो लाइट की फंक्शन मतलब पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। चलिए दोस्तों, फाइनली मैं अब जो आप ये देख रहे हैं सेटअप, तो कहीं ऐसा ना सोचिएगा कि कोई अनबॉक्सिंग है। अब मैं GoPro के कैमरे की क्वालिटी के बारे में कुछ बात करूँगा कि उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, वीडियो कैसा है, उससे बनाए हुए वीडियो के फुटेज कैसे हैं। आपने इसके तो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, चलिए कुछ अलग टाइप से आपको दिखाते हैं वीडियो, कोशिश है। अभी तो ये फोटो मोड में है, इसको हम वीडियो मोड में ले आते हैं, ठीक है। ये वीडियो मोड में गया और आप यहाँ देख सकते हैं रेजुलेशन जो है, पहला हम 1440 पे करते हैं और 60 FPS, ठीक है। और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ताकि इसकी फुटेज आप देख सकें। चलिए पहला तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं ऊपर से मेरे कैमरे पे और ये GoPro के कैमरे पे। चलिए ये देखिए, कुछ टेस्ट कर रहे हैं और क्या है वो आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। एक ये, दूसरा ये, एक ये डैश और ये ईजिली पढ़ने में आ रहा है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। चलिए ऊपर नीचे करके भी देख लेते हैं थोड़ा, शायद नहीं पढ़ पाए। और यहाँ से ब्रांडिंग वाला डाटा केबल और चार्जिंग केबल भी, कोई बात नहीं। चलिए सेम मैं अब ये अपना वन प्लस सिक्स के साथ करता हूँ। ये बैटरी सेम हाइट पे है, चलिए रिकॉर्डिंग भी चल रही है। और अब ये डैश, ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट। अभी चलिए अब हम इसका फ्रेम रेट चेंज करते हैं, ये 1.5 मिनट का वीडियो हो गया, इसको स्टॉप करते हैं, सेव हो जाने देते हैं। चलिए अब करते हैं 1080p और 30 फ्रेम पर सेकेंड पे। और एक चीज़ और करते हैं, इसको कर देते हैं नैरो मोड पे। नैरो मोड से क्या होगा कि जूम टाइप का इफेक्ट इस पर आ जाएगा, चलिए तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। और फिर से हम इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये है 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड। मैं इस कैमरे की बुराई नहीं कर रहा, मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं सिर्फ इस कैमरे की क्वालिटी इसके बारे में बता रहा हूँ। GoPro 2018 जो मॉडल है, GoPro हीरो एक्शन कैमरा बंडल पैक, मैं उसके वीडियो क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए अब थोड़ी सी कुछ फ़ोटो ले लेते हैं, चलिए इसको भी स्टॉप करते हैं 44 सेकेंड। अब फोटो मोड में आते हैं, ठीक है, यहाँ से फोटो मोड में आ गए। और अभी हम कोशिश करेंगे फ़ोटो लेने की, ठीक है। ये फ़ोटो लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, 1 सेकेंड,
सीखना है। चलिए फाइनली हमने कुछ फोटो भी ले लिए और वीडियो तो कैसे इसकी क्वालिटी वो आपको मैंने बता ही दिया था। अब आइए कुछ इसके मेनू के बारे में बात कर लेते हैं, इसके फंक्शनल मेनू। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर से जब आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन खुल के आएगा, एक कनेक्ट और दूसरा प्रीफ्रेंसेस। और यहाँ पे वॉइस मोड है और ये लॉकिंग है। प्रेफरेंस में चलेंगे, क्लिक करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कैमरा टॉर, आप ये यहीं से सारी चीज़ समझ सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं इसका टच भी बढ़िया से काम नहीं कर रहा। सारी डिटेल ये बता रहा है कहाँ से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एडवांस सेटिंग के बारे में, वीडियो स्टेबलाइजेशन, इधर से जब राइट पे क्लिक स्वाइप करेंगे वीडियो स्टेबलाइजेशन के बारे में बताएगा। और यहाँ पे प्रेफरेंसेस ऊपर बता ही रहा है और जो भी फ़ोटो वगैरह खींची जाएगी, वीडियो बनेगी, वो यहाँ पे सेव होगी, यहाँ से उसको चेक करेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं और यहाँ जो आप ये देख रहे हैं सब वाइट लाइन, ये वाली लाइन, ये एग्ज़िट है। कहने को तो ये एग्ज़िट है पर ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ से देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ, कभी कभी ये काम नहीं कर रहा। अभी यहाँ से मैं इसको नीचे स्वाइप किया, अभी कर गया। अब ये देखिए, ये पे आ गया आप यहाँ पे WDR, ठीक है। अब इसका आप समझ लीजिए कि गुड फॉर बैकलिट सीन्स, ठीक है। अब यहाँ से इसको बैक करेंगे। अब वीडियो मोड में जाने के बाद आप जब यहाँ से इसको स्वाइप करेंगे और यहाँ ये वीडियो स्टेबलाइजेशन है और उसके बाद एक और स्वाइप करेंगे तो ऑटो लो लाइट, फिर यहाँ से बैक करेंगे और उसके बाद इस फीचर पे आएंगे, यहाँ मोड में, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मोड मेनू है, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करने के बाद आप सीधे मोड में चले जाएंगे। और यहाँ पे चार्जिंग है और कैमरा को ऑन करने के लिए मोड मेन्यू को प्रेस भी करेंगे तो भी हो जाएगा। और ये है ऑन बटन और यहीं पे जो ये कैमरा मोड है, मोड मेन्यू, इसको जब आप जोर से पुश करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। बंद तो हो जाएगा पर एक चीज इसमें खराबी है, ये सिर्फ डिस्प्ले को बंद करेगा, अंदर के जितने भी फंक्शनल हैं वो वर्क करते रहेंगे। मैंने इसमें देखा वॉइस कमांड के जरिए, ये स्लिप टाइम है 1 मिनट का स्क्रीन सेवर। और यहां आप जो देख रहे हैं ये छोटी सी लगभग आधी इंच की स्क्रीन, सॉरी ये जो आधी इंच की स्क्रीन है छोटी सी LED, यहाँ से इंडिकेट करके बताता रहता है कि कितनी बैटरी है, कितना क्या रेजोल्यूशन पे फोटो बनेगी, वीडियोस बनेंगे। अच्छा, एक इसका फीचर है ऑटो रोटेशन, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ऑटो रोटेशन, मतलब समझ रहे हैं आप, वीडियो को किसी भी मोड में ले जाएं 90 डिग्री पे, ये अपने आप को रोटेट कर देगा, वीडियोस या फोटो सीधी बनेंगी। और ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है ये। मैंने अभी, मुझे पता नहीं कि मैं इसका क्या करने वाला हूँ, अभी फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वीडियोस की क्वालिटी वगैरह ठीक है, और ये जो LCD देख रहे हैं छोटी वाली, पूरी काली हो जा रही है। अभी आप, मैं इस पर अंगूठा रखा हूँ अपना, बहुत गर्म है,
फाइनली दोस्तों इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो 2 से 2.5 घंटे की है, और इसका जो स्टैंड बाई है मुझे लगता है अगर आप इस पर कोई वर्क करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ से या 1.5-2 घंटे के आसपास ये चलेगी। और एक यही प्रॉब्लम है कि इसको चार्ज करने के लिए यहाँ आप इसको हाउसिंग में से बाहर निकालना पड़ेगा तभी ये चार्ज होगा, जबकि ये बना है यहाँ पे जगह, ये किसी काम का नहीं है, यहाँ से ये निकलेगा नहीं, ठीक है। बाकी और क्वालिटी वाइज की बात करें इनके गिम्बल वगैरह की, जो ये इन्होंने ट्राईपॉड दिया है ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, बट उतनी अच्छी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, आपने देखा अगर, ठीक है, आपने देखा अभी, ये देखिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सिर्फ ये मोटो ब्लॉगिंग माउंटेन के लिए, हाइकिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए बेस्ट है। आप खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीदिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।